आशुतोष शर्मा, क्या जबरदस्त बल्लेबाज मिला है। दोस्तों, इरफान पठान ने आशुतोष शर्मा के खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बारे में उन्होंने बात करते हुए एक वीडियो पोस्ट की। बाकी आप खुद ही देखें उनका ये पूरा वीडियो। आशुतोष शर्मा, क्या जबरदस्त बल्लेबाज मिला है। पंजाब ने हम सबको एंटरटेन किया है एक अच्छी बाय करके। अनकैप खिलाड़ी, बेबाक खिलाड़ी, और कुछ तरह से जो शॉट खेलता है ऐसा लगता है सूर्य कुमार यादव की याद दिलाता है। वो बार बार लैप शॉट का इस्तेमाल करके बुमराह को भी एक लंबी टांग निकाल के लैप शॉट जो लगाया, वो काबिले तारीफ बल्लेबाजी। जरूर अगर थोड़ा और एक्सपीरियंस होता तो वेट करते और चूज करके, जब वो गेंद प्लानिंग जब चेंज हुई बुमराह की ओवर के बाद, जिसमें 3 रन आए थे, उसके बाद थोड़ा सा होशियार रहना था कि अब यॉर्कर की तरफ नहीं जाएगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि ब्रेक भी हुआ था, प्लानिंग भी बेहतर थी, इंटू द पिच गेंदबाजी की और वहीं पे उनको फंसाया। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहे जसप्रीत बुमराह। इस पिच पे जहाँ पे सब गेंदबाजों को मार पड़ रही है, एक लौता गेंदबाज है जो 4 ओवर में 6 रन से भी कम इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करता है, 3 विकेट निकालता है, नई गेंद पे यॉर्कर डालता है, बल्लेबाजों के चारे खाने चेक करता है, इससे बढ़िया बात इंडियन क्रिकेट के लिए है ही नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए है ही नहीं कि उनके पास जसप्रीत बुमराह है। वो ओवर जब ब्रार के सामने बाउंसर डाले 2, एक ही ओवर में जिसमें 3 रन आए थे, वहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी गेंदबाजों ने भी भाप लिया था कि बुमराह को फॉलो करो, पिच का इस्तेमाल करो और ये जो गेम पंजाब की तरफ जा रही है उसको जाने ना दो। आखिरकार ये मुंबई की जीत है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई अब वो मोमेंटम बरकरार रखेगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा तालमेल ज़्यादा बेहतर बैठ रहा है।